बस्तर का टाइगर, छत्तीसगढ़ का शेर, आम लोगों में यही पहचान बन चुकी थी महेंद्र कर्मा की। छत्तीसगढ़ में बस्तर के घने जंगलों में जब बस्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, 80 के दशक में दंतेवाड़ा के आदिवासी गांव फरशपाल की जमीन से भोपाल की सियासत तक अहम मुकाम बनाया महेंद्र कर्मा ने। सरकार और सुरक्षा बलों से इतर ये महेंद्र कर्मा ही थे जिन्होंने सबसे पहले नक्सली आतंक से छत्तीसगढ़ के जंगलों को खाली करा लेने की कसम उठाई थी। जिस कायरता और बर्बरता के साथ हमारी साथियों की जान ली गई, मैं क्या कहूँ, ये इंसानियत के खिलाफ। 1980 में लेफ्ट पार्टी सीपीआई के नेता के तौर पर महेंद्र कर्मा ने राजनीति में कदम रखा। जिला पंचायत, विधानसभा से लोकसभा की दहलीज तक उनके कदम सियासत के रास्ते पर तेजी से बढ़ते चले गए। सियासत शुरू तो वामपंथ से की, लेकिन जल्द ही वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सली मूवमेंट के खिलाफ बस्तर के इलाके में जन जागरण मुहिम भी शुरू कर दी। जाहिर है, जन जंगल और जमीन पर कब्जे की जंग में महेंद्र कर्मा माओवादियों यानी नक्सलवादियों के सामने सबसे बड़ी दीवार बन गए। मित्र भी रहे और उस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया। इस घटना में उनकी शहादत निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ और देश भूलेगा नहीं। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में महेंद्र कर्मा ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बुनियाद रखी। सुरक्षा बलों और सरकार के लिए नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी गांव में ढाल बनने का काम किया महेंद्र कर्मा और उनके आंदोलन सलवा जुड़ुम ने, और उसकी वजहें भी साफ थी। महेंद्र कर्मा ने नक्सली आंदोलन के जरिए जंगलों में चलने वाली लूट, वसूली और अवैध धंधों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कर्मा को इसकी कीमत भी कम नहीं चुकानी पड़ी। बड़े भाई लक्ष्मण कर्मा की हत्या सबसे पहले नक्सलियों ने की। नक्सलियों से लड़ाई में महेंद्र कर्मा के करीब 20 से ज्यादा रिश्तेदारों की जानें चली गईं। यही वजह रही कि 2003 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस से भले ही बीजेपी के रिश्ते 36 के बने रहे, लेकिन विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर महेंद्र कर्मा ने सारी दलीय राजनीति को दरकिनार कर सलवा जुड़ुम मूवमेंट के लिए बीजेपी सरकार से हाथ मिला लिया। सलवा जुड़ुम मूवमेंट के तहत गांव स्तर पर नक्सलियों से लड़ने के लिए युवाओं को हथियारों के साथ ट्रेनिंग और भत्ता भी मिलने लगा। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ुम को प्रतिबंधित कर दिया। महेंद्र कर्मा जब तक जिए जंगल में नक्सलियों के खिलाफ दहाड़ते रहे। जिस नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा कर्मा ने ताउम्र उठाए रखा, उनके जाने के बाद सवाल है कि बस्तर के जंगलों में नक्सली अराजकता के खिलाफ मोर्चा कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, रायपुर।